किन धातु बर्तनों में पकाए खाना, जरूर जानें उपयोगी जानकारी। एक, पीतल। यह नमक और अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए खट्टी चीजों का या अधिक नमक वाली चीजों को इसमें पकाना या खाना नहीं चाहिए, अन्यथा फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दो, तांबा। तांबे के बर्तनों का उपयोग भी पुराने जमाने से ही किया जाता रहा है और यह भी पीतल की तरह ही अम्ल और नमक के साथ प्रतिक्रिया करता है। कई बार पकाए जा रहे भोजन में मौजूद ऑर्गेनिक एसिड बर्तनों के साथ प्रतिक्रिया कर ज्यादा कॉपर पैदा कर सकते हैं, जो नुकसानदायक हो सकता है। तीन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता ही है। गर्मी मिलने पर एल्यूमिनियम के अणु जल्दी सक्रिय होते हैं और एल्यूमिनियम जल्दी गर्म होता है। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसमें खटाई या अम्लीय सब्जियों या चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चार, स्टेनलेस स्टील। यह एक मिश्र धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इसमें खाना पकाने या बनाने में सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इन बर्तनों का तापमान बहुत जल्दी बढ़ता है। पांच, लोहा। भोजन पकाने और खाने के लिए लोहे के बर्तनों का उपयोग हर तरह से फायदेमंद होता है। इन बर्तनों में पकाए गए भोजन में आयरन की मात्रा अपने आप बढ़ जाती है और आपको उसका भरपूर पोषण मिलता है। छह, नॉनस्टिक। नॉनस्टिक मतलब होता है ना चिपकने वाला, अर्थात ऐसे बर्तन जिनमें खाना चिपकता नहीं है और पकाने के लिए अधिक तेल या घी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। ऐसे और भी कई आयुर्वेद में बताए गए एवं माने हुए रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले कारगर नुस्खों का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद का लाभ लेते रहें। धन्यवाद।